मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। TATYD स्टूडियो। आप सभी को मैं प्रश्न पत्र देने जा रही हूँ, जिसमें दो प्रश्न हैं। उन दोनों प्रश्नों में से आपको चॉइसेस में से कोई भी एक एक अटेम्प्ट करना है। समय सीमा 1.5 घंटा है। 1.5 घंटे के बाद किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा इवेंट था वो हो गया है, जो कि था निबंध के ऊपर। निबंध हमें एक्चुअली क्वेश्चन पेपर दिया गया था। वो क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा देती हूँ। हाँ, थोड़ा गंदा हो गया है एक्चुअली। हमने कुछ खाया था ना, तो ये गंदा हो गया यार। इस पे ध्यान मत दो, आप इस पे ध्यान दो। हाँ सॉरी, सेल्फी कैमरा है तो आपको इस पे भी उल्टे वर्ड्स दिखाई देंगे, तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? बात ये है कि आज का जो हमारा इवेंट था, इवेंट जो हमारे 4 दिन के चारों इवेंट थे, वो आज फिनिश हो चुके हैं। अभी रिजल्ट नहीं, 30 सितंबर को हमारा रिजल्ट आने वाला है। अब वो क्या होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था कि हमने इंजॉय किया। ये जो हिंदी पखवाड़ा जो हमारा इवेंट था, ये हमने इंजॉय किया। हम सब गर्ल्स ने इंजॉय किया, हम सारे जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने इंजॉय किया, और जो हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। तो वो एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भाई हमने पिज़्ज़ा भी इतना लिखा मतलब पूरा पेपर भर दिया, जितना मैं भर सकती थी भर दिया। तो कोई बात नहीं, बाकी हमारी फर्स्ट इवेंट था जो कि हास्य और काव्या से रिलेटेड था, यानी कि उसमें कविता सुनाने थी या फिर हमें जोक सुनाने थे, ठीक है। तो ये हमारा था पहले दिन का। सेकंड डे का था उसमें एक्चुअली टिप्पणी लेखन होना था, मतलब हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना था और इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में कन्वर्ट करके कुछ इस तरह से एक तरह का एक एग्ज़ाम टाइप होता है वैसा, हिंदी एग्ज़ाम जैसे कह लो, उस तरह का एक एग्ज़ाम होना था। तो वो भी हो गया भाई। सेकंड डे का मैंने एक्चुअली शूट नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। चारों दिन का अलग अलग पार्टिसिपेशन था। तो मैंने फर्स्ट डे पे पार्टिसिपेट किया था, जो कि जिसमें कि आप मेरी फ्रेंड मेघा को भी देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डे हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था,
तो उसमें हम नहीं मिलेंगे और उसकी वीडियोस भी हमने क्लिक नहीं कर पाए हैं, बना नहीं पाए हैं, ठीक है, वीडियो शूट्स नहीं करवाए हैं, तो उसका आपको नहीं मिल पाएगा सेकंड डे का, सॉरी उसके लिए। और रही बात थर्ड डे की, थर्ड डे यानी कि अंताक्षरी वाला डे था, तो वो हमने बहुत सॉलिड से और बहुत मज़ेदार तरीके से उसको इंजॉय किया। और इनफैक्ट हमारे जो स्पेक्टर सीनियर्स हैं उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया, और सब ने मतलब ऑफिसर्स जो हैं हमारे और हमारे जो कलीग्स हैं हमारे साथ जो काम करती हैं उन सब ने भी बहुत अच्छे से इंजॉय किया और सब ने अच्छे से जोर शोर से पार्टिसिपेट किया, तो वो बहुत अच्छी बात थी। कौन जीता कौन हरा फ़र्क नहीं पड़ता गाइज, मेन है कि यार हमने इंजॉय किया, ठीक है, और हमने दिल से बहुत इंजॉय किया। और इस चीज़ के लिए तो मैं रिस्पेक्टेड अपने सीनियर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो कि हैं हमारे कमिश्नर साहब और हमारे जॉइंट कमिश्नर मैडम, जो ये सब एक्टिविटीज़ हमारे ऑफिस में करवाते हैं, वही अरेंज करते हैं, उनके लिए स्पेशल थैंक्स। और आज ये इवेंट हमारे फिनिश हो गए हैं चारों डेज़ के। बाकी गाइस इतनी बातें अभी हो गई हैं आपसे, आज लास्ट डे है इस इवेंट का, हिंदी पखवाड़ा इवेंट का, ठीक है, बाकी तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे आपके साथ। ये हिंदी पखवाड़ा का आज लास्ट एंड था, रिजल्ट होगा 30 सितंबर को, तो उस दिन भी आपको देखते हैं लेंगे करेंगे। ओके गाइस हिंदी पखवाड़ा का यहीं फिनिश करते हैं, और कुछ भूल चुक हुई हो तो भाई साहब माफ़ करिएगा, और बस इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, और आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है, तो बस सपोर्ट करते रहिएगा हमें, और क्या चाहिए, यही चाहिए भाई, प्यार ही चाहिए, प्यार फैलाओ, प्यार करो, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ अगली वीडियोज़ में, और थैंक यू सो मच। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।